मैं मेरे फियांसी के बहुत अच्छे दोस्त थे जो आमिर माजिद के साथ भी कनेक्टेड थे, और वो मेरे फियांसी के साथ मिलके फिर से कंट्रोवर्सी निकालना चाह रहे थे। मेरे फियांसी का बर्थडे था 18 सितंबर को, और हम दोनों का प्लान था कि हम मिलेंगे नेपाल में, और बीच में बियर बाइकर सैमी दाई ने मेरे फियांसी को रीच आउट करा कि मैं भी नेपाल जाता हूँ। तो सीन क्या हुआ गाइस कि वो ना दिल्ली से देहरादून अकेले आए गाइस, और वो अकेले देहरादून तक आए, देहरादून से ही ज्वाइंट माई फियांसी और वो दोनों नेपाल में साथ में आए गाइस। और गाइस मैं भी बॉर्डर तक लेने गई थी। वो हर एक जगह कॉम्प्लेन करते थे कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, हर एक जगह कर रहे थे। बात वो ना ज़बरदस्ती वीडियो रिकॉर्ड करते हुए आकर ज़बरदस्ती मेरे रूम में आकर मैं किस किन कपड़ों में थी, कैसे हालत में थी, उन्होंने मेरा वीडियो रिकॉर्ड करा। सो गाइज, ये रहा सभ्या का, जो सभ्या राइडर है उसका स्टेटमेंट। सभ्या ने पहले बोला कि मैंने सैमी भाई को ठीक से लिया, उनके हर एक ख्याल रखा, हर एक जगह में उसका रिस्पॉन्स उठाया, सब कुछ किया। तो इससे क्लियर होता था कि सभ्या ने सैमी भाई का ठीक से ट्रीट किया। लेकिन इसके बाद क्या होता है सैमी भाई के वीडियो में, वो भी आप लोग देखिए, फिर आप लोगों के संग बोलते हैं। तुम बर्थडे के दिन पैसा मांग रहे हो मेरे से और मेरे को बोल रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं है। बर्थडे के दिन लिखा है कि फ्री में खिलाएगा, कहाँ लिखा है कि ये खिलाएगा आपको? क्या बर्थडे के दिन कोई किसी नहीं खिलाते। और यहाँ पर सभ्या डायरेक्ट बोल रहे हैं कि आप लोग देख ही सकते हो जो बर्थडे के दिन में कहाँ लिखा हुआ है कि फ्री में खाना पीना मिलेगा। तो आप ही लोग बताइए, अगर सभ्या उनका हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है तो सभ्या ये बात कहाँ से बोलती है? ठीक है, फिर इसके बाद भी देखते हैं और भी क्या क्या सीन है। तो गाइस यार, बात ऐसा है ना कि लोग ना फेक स्टोरीज बना रहे हैं, फेक एलिगेशन लगा के मुझे डिफेम करने का कोशिश कर रहे हैं। मैं भी तो चीज में फंस ही जाऊंगा। नहीं, आप क्यों फंसेंगे भाई? क्यों नहीं फंसूंगा? आप नहीं फंसेंगे, आप उसके साथ राइड जा सकते हैं। आपको फॉल्ट सब मेरा ही है ना? नहीं, हम आपका फॉल्ट भी नहीं बोल रहे हैं सैमी, हम तेरे को इंक्लूड नहीं कर रहे भाई। वी आर नॉट वोटिंग यू सैमी कि भाई तू कर रहा है, हम कहीं मेंशन ही नहीं कर रहे भाई। क्योंकि भाई अच्छा मुझे एक चीज बता सैमी, अगले दिन आमिर माजिद तेरी कॉल रिकॉर्डिंग हमारे खिलाफ यूज करेगा, तब हम तो चूतिया बन गए ना पब्लिक के सामने, तू ही सबके लिए गलत बनेगा। तो गाइस आप लोगों ने सुना कि ये बंदा खुद ही बोल रहा है कि मेरा गलती नहीं है, बट ये लोग खुद फेक स्टोरी क्रिएट करेगा और मुझे गलत साबित करेगा। ये जो मेरे साथ गलत काम किया है, ये सब चीजें मैं इंडिया वापस आके डालने वाला हूँ। इसीलिए ना इसने ना एक एक्सपोज वीडियो ना पहले डाल दिया। ऑडियंस तो पागल है नहीं, ऑडियंस को क्या पता नहीं चलेगा कि भाई एक राइटर के साथ गलत हुआ, दूसरे के साथ भी गलत हुआ। वो खुद ही इंटरेक्ट हो जाएंगे भाई, दोनों बंदे कभी गलत नहीं हो सकते। वाला ओमेन कार्ड वाला गेम खेल दिया ताकि मतलब लोगों को स्पॉइल कर सके ये बंदा। एग्जैक्टली, और भाई ये 2021 है, ठीक है, अभी ये सब गेम नहीं चलता है, लोगों को सब सारी चीजें मालूम है। और एक चीज बताना था कि भाई तू ना नेपाल में बस जा, क्योंकि तुझे ना इंडिया से ज्यादा नेपाल के लोगों से प्यार है। क्योंकि तू बता रहा था ना कि नेपाल के लोग ज्यादा सपोर्टिव है इंडिया से, जहां से जन्म लिया है तू उसी कंट्री को बोल रहा है कि वहां के लोग सपोर्ट नहीं करते, मतलब कि हम लोग इंडियन सपोर्ट नहीं करते। अगर हम लोग इंडियन सपोर्ट नहीं करते तो तेरा 1 मिलियन नहीं होता भाई। तो ये सभ्या ना इंस्टाग्राम में वो स्टोरी डाल के FIR का चीजें बता के ना मेरे को डराने का कोशिश कर रहा था। बट गाइस ऐसा ना कि हम लोग डरने वाले नहीं है, बिकॉज हमने ना किसी का बुरा नहीं किया, हम अपना हमेशा राइट। गाइस एक चीज बता रहा हूँ कि हम लोगों ने कुछ गलती किया नहीं है तो हम लोग डरेंगे नहीं। सो गाइस आप लोग जो सीनरी था पूरा आप लोग देख चुके हो। सैमी भाई मेरा फ्रेंड है, इसलिए मैं सैमी भाई की तरफ से बोलूंगा सब आप लोग एकदम मस्त समझना। अगर सैमी भाई को UK07 से 2 साल का फ्रेंडशिप है तो मेरे संग भी 2 साल का फ्रेंडशिप है। तो जितना UK07 में उसको पहचानते मैं भी पहचानता हूँ, और मैं भी सैमी भाई के साथ जब दिल्ली गया था मैं भी उसका टाइम उसके संग फर्स्ट टाइम 5 डेज टाइम स्पेंड किया था। लेकिन मुझे किसी तरफ से मैं नहीं लगा कि सैमी ऐसा कुछ कर सकता है। और जो UK07 अगर मैं सैमी भाई के रिस्पॉन्स में कहीं जाता हूँ तो सैमी भाई का रिस्पॉन्सिबल होगा मेरा सब रिस्पॉन्सिबल उठाने के लिए। तो अगर दोस्त यारी में तो यह बात चलता ही है, इसीलिए सैमी भाई के संग UK07 का प्लान हुआ था। तो नेपाल के प्लान में वो लोग गया था, तो वहाँ पर जाकर UK07 अपना गर्लफ्रेंड जो था सभ्या उसके संग क्या प्रोग्रेशन हुआ होने के बाद पूरा पलटी मार दिया। तो सैमी भाई जाहिर से जो वहाँ पर अपना प्लान के लिए वो बात करेगा कि भाई नेक्स्ट प्लान क्या है नहीं है, और ये सैमी भाई जब बोल दिया था सैमी भाई उन लोगों के नज़र में खराब हो गया, तो ये तो सही नहीं है ना। तो और अगर जो प्रॉब्लम है UK07 डायरेक्ट के संग है तो बॉयज़ टू बॉयज़ होना चाहिए। वहाँ पर UK07 क्या कर रहा था, हर एक टाइम अपने बंदी को फ्रंट में दे रहा था, ये तो ठीक नहीं है। आप लड़की की इमोशन लेकर खेलोगे ये सही बात नहीं है। अगर आपसे डायरेक्ट कोई बात करना है तो आप डायरेक्ट आओ, डायरेक्ट बात करो, लेकिन आप हर एक टाइम आपका गर्लफ्रेंड को सामने ले रहे थे ये भी सही नहीं है। और नेपाल इंडिया जो भी हो ये डिवाइडन करना ठीक नहीं है। आखिर में हम लोग तो इंडिया में ही है, तो सब जगह को हम लोग ठीक से ही देखते हैं, सभी लोग हम लोग का दोस्त है, हम लोग का भाई, हम लोग का यार है।
तो ये सब कोई को अपना सर में ढुकाने ले चाहिए, लेकिन वो जो यूके 07 है और वो सभिया जो है दोनों मिलकर नेपाल इंडिया कर रहे थे, ये एकदम ठीक नहीं है। ये तो मैं एकदम सपोर्ट नहीं करूंगा। आप लोग भी सपोर्ट करते हो कि नहीं ये भी मुझको बोलना। तो गाइस आप लोगों के सामने रियलिटी था और आप लोग इसको जरूर जस्टिफाइड करना चाहिए कौन सही है कौन गलत है। लेकिन जो पूरा वीडियो था सैमी भाई पूरा वीडियो विद प्रूफ दिया है, और जो सभ्या था वो जो एक एक स्टोरी दे रहा था इंस्टाग्राम में FIR दर्ज किया ये किया वो किया, तो उसका FIR कॉपी कहाँ है? अगर मैं FIR करता हूँ तो उसका भी तो कॉपी रहना चाहिए, तो कॉपी भी आप सबमिट कर सकते थे। आप फेक एलिगेशन दोगे, आप फेक स्टोरी बनाओगे मन बनावत, और ऑडियंस भी इतना भी पागल नहीं है जो आप लोग जो बोलोगे वो भी समझ लेगा। ऑडियंस चाहता है प्रूफ। तो सैमी भाई यही ठीक काम किया, सैमी भाई हर एक प्रूफ के संग अपना वीडियो अपलोड किया, इससे क्लियरिटी यही होता है कि सैमी भाई सही है। और वो लोग जो था वो लोग दोनों मिलकर जस्ट एक फेक ड्रामा कर रहा था, सैमी भाई को रिफेम करना चाहता था। तो गाइस ऐसा मत करो, आपका अपना अपना ऑडियंस अपने अपने के पास है, किसी का ऑडियंस किसी भी कोई भी नहीं लेगा, तो अपना तरफ से रहना ही ठीक है। तो जो भी है गाइस आप लोग के सामने पूरा खुलासा हो गया है, आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताना जो आप लोगों का कौन सही लगा, और आप लोग कमेंट करना एकदम मत भूलना।